सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ चेक रिटर्न बाय बैंक। बैंक के द्वारा किसी चेक को रिटर्न किया जाता है और उसके ऊपर मार्क लगा दिया जाता है NSF। तो NSF का मीन बताइए। तो NSF का जो मीन होता है नॉट सफिशेंट फंड आपके अकाउंट में नहीं है, इसलिए बैंक आपके जो चेक है उसको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर लिखा है बैंक कैन नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर पाया बैंक कि आपकी आइडेंटिटी सही है या नहीं है। देयर आर नो सफिशेंट फंड इन योर अकाउंट, कि आपके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस नहीं है। जैसे आपने 10,000 का चेक कार्ड निकाल दिया, इश्यू कर दिया, और आपके अकाउंट में ओनली 8,000 है, तो यहाँ पर बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में नॉट सफिशेंट फंड नहीं है चेक को क्लियर करने के लिए, या फिर चेक क्या हो गया हैज बीन फॉरगेट, या फिर चेक कैन नॉट बी कैश्ड बीइंग इलीगल, कि ये इलीगल है इसलिए ये चेक को क्लियर नहीं किया गया। तो बताओ यहाँ पर NSF का मीन कहाँ बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर है, कि सफिशेंट बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में जिससे कि चेक को क्लियर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अकाउंटिंग इकोनॉमिक इवेंट रेफर टू। तो इकोनॉमिक इवेंट इस प्रकार के ट्रांजेक्शन होती हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम कैश समझते हैं या बैंक स्टेटमेंट समझते हैं या एक ट्रांजेक्शन समझते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इसको एज ए ट्रांजेक्शन समझते हैं, जो इकोनॉमिक इवेंट है जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो उसको हम बिजनेस की जो जर्नल बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है, कि कोई भी इकोनॉमिक इवेंट है उसको एज एम ट्रांजेक्शन ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि किसी भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो क्यों किया जाता है। ताकि कैलकुलेट किया जा सके किसी भी बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है क्या कंप्यूट किया जा सके उसकी एक्चुअल कैश का प्रॉफिट, या फिर फंड क्रिएट किया जा सके ताकि फ्यूचर में नई एसेट को उस एसेट से रिप्लेस किया जा सके, या फिर रिड्यूस किया जाए अपना जो टैक्स का बर्डन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है। तो यहाँ पर किस लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि फंड क्रिएट किया जा सके ताकि उससे कोई नई एसेट फिक्स एसेट को परचेज करके बिजनेस में लेके आया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट कहता है सेल एंड परचेज जर्नल डज नॉट रिकॉर्ड। तो अगर आप सेल करते हो या परचेज करते हो क्रेडिट में तो सेल बुक में लिखते हो, अगर क्रेडिट में सेल करते हो, अगर परचेज करते हो क्रेडिट में तो कहाँ लिखते हो, क्रेडिट में परचेज करते हो तब। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिट सेल करते हो तो सेल बुक के अंदर आएगा, क्रेडिट परचेज करते हो तो परचेज बुक में आएगा, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हो तो क्रेडिट या सेल परचेज बुक में आएगा, कैश सेल या परचेज कैश करते हो तो ये आपकी कैश बुक के अंदर आएगा, ना कि आपकी परचेज और सेल बुक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आप भी इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है, और कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस जरूर इम्प्रूव होगी। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट कॉमर्स अकाउंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चनों को अपनी वीडियो में लेके आएं और जितने भी यूजर्स हैं ऑडियंस हैं उनको उनसे हेल्प मिल सके। और आप इन क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ईमेल से शेयर कर सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो अपनी PDF फाइल को। ईमेल की बात करें तो sumitonlineclasses@gmail.com पे आप कर सकते हो। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो 9017770799 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करो।
तो जनरली अगर हम अकाउंट की बात करें, अकाउंट जनरली तीन ही टाइप के होते हैं, या तो आपका रियल अकाउंट है, या आपका पर्सनल अकाउंट है, या आपका नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल आती हैं, जहां पर आप डील करते हो एसेट के साथ। अगर हम बात करें पर्सनल की, तो पर्सनल के अंदर तीन अकाउंट आते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम नॉमिनल की बात करें तो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मशीनरी है, ये तो रियल अकाउंट का पार्ट है, बिल्डिंग है रियल अकाउंट का पार्ट है, क्रेडिटर्स हैं ये आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है रेंट एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस किसमें ट्रीट किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सभी इनकम्स और गेन को किया जाता है। तो जो रेंट एक्सपेंसेस है ये खर्चा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है, आइडेंटिफाई जो हमने किया है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो ये किसका पार्ट है, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता है। अब्सॉर्ब्ड कैपिटल या नेट एसेट या फिर वर्किंग कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इट इज रिकॉर्ड ऑन, कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। तो लाइबिलिटी या तो कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे। जनरली अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर इस चीज को आप कम करना चाहते हो तो उतने अमाउंट से क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। तो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, तो आपको या तो लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा इसको या फिर डेबिट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो लाइबिलिटी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहां पर लिखा है लेफ्ट, हाँ जी राइट है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड तो ना लिखोगे आप, डेबिट साइड लिखोगे, तो ये भी रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट कहता है राइट साइड लिखो, तो ये भी हमारा रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट कहता है राइट साइड लिखो, ये भी रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट कहता है लेफ्ट साइड राइट है, डेबिट साइड लिखो अकाउंट के, तो ये हमारा राइट आंसर है कि हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे और डेबिट कर देंगे, तो लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड द कंपनी नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर, कि कंपनी अपना मैक्सिमम कितना अमाउंट मार्केट से शेयर के माध्यम से उठा सकती है, तो वो जितने से वो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड किसमें होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं उसको और नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इशू जो मार्केट में इशू की गई है, या जो रिजर्व रख लिया जो आपने कॉल नहीं की है, या सब्सक्राइब जो मार्केट ने सब्सक्राइब कर लिया, या नॉमिनल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, नॉमिनल कैपिटल, ये हमारा राइट आंसर है कि जितनी रजिस्टर्ड है आप उतने से ही मार्केट से पैसा उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंडोर्समेंट या डिस्काउंटिंग या कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाय। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें बिजनेस के अंदर, तो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और एक प्रोमिसरी नोट है। प्रैक्टिकल दोनों के दोनों सेम है। अगर हम बात करें, सेलर के द्वारा क्रेडिट सेल की जाती है बायर्स को, तो बायर के द्वारा बायर को एक ऑर्डर देता है कि भाई ये रिटर्न में स्टेटमेंट है और इसके ऊपर आप साइन कर दो कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट दे दूंगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके पास जाती है, सेलर के पास। अब सेलर क्या कर सकता है, इसका यूज कहाँ पर कर सकता है, या तो किसी भी बैंक से डिस्काउंट करवा ले, या किसी पार्टी को अगर इसने पेमेंट देनी है एंडोर्सी के नाम ट्रांसफर कर दे, या अपने पास रखे कलेक्शन के लिए भेज दे, तो कहीं पर भी रख सकता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये क्या कर सकता है, एंडोर्समेंट भी कर सकता है, डिस्काउंट भी करवा सकता है, कलेक्शन भी कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो कौन कर सकता है, तो ये सेलर है। और सेलर कौन है, जो बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है, और ये क्या करता है, एक्सेप्टेंस देता है। तो ड्रॉअर देखो यहाँ पर कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग, अगर कैश बेस पे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज दोगे, रिकॉग्नाइज का मतलब कब उस चीज को रिकॉर्ड करोगे। तो कैश बेसिस की बात करते हैं जब एक्चुअल में या तो कैश की आप पेमेंट करो या कैश आपको रिसीव हुए। तो यहाँ पर जब आपने सर्विस किसी को रेंडर कर दिया, सर्विस प्रोवाइड कर दिया, चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है, तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि कैश तो मिला नहीं है। गुड्स आपने डिलीवर कर दी, कैश नहीं मिला, तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। कैश इज रिसीव, कैश रिसीव हो चुका है, तो तब रिकॉर्ड करोगे। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है, बी है, ये हमारा राइट आंसर है,
सेल इज मेड, सेल कर दी, साथ के साथ रिकॉर्ड कर दोगे, नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।